जय श्री राम सभी को। हमारे सर राष्ट्रीय संयोजक जी संजय रोड़ा सर, हमारे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक हैं और ये अभी आपसे बात करेंगे। आप, मैं परिचय करा दूँ, आप महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरिता शर्मा अरोड़ा जी, और ये परिचय यहाँ पे लोकल में होगा। महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं मोनिका भारद्वाज जी और संगठन मंत्री प्रवीण जैन जी, और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान जो हैं रविंद्र वैष्णव जी और रश्मि पुनिया जी। तो मैंने कहा मैं ही परिचय करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बताएं, किस उपलक्ष्य में आज इकट्ठे हुए हैं? राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का पूरे देश के अंदर जो है बैठकों का दौर चल रहा है, उसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लोगों को CAA के नाम पर जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सर, कितनी पुरानी पार्टी है ये, कब उत्थान हुआ, कौन थे इसके पार्टी? हम लोग 3 साल से जो है इस संगठन को बने हैं और 3 साल में 15 स्टेट में संगठन काम कर रहा है और प्योर हिंदूवादी संगठन है। आप नाम से समझते होंगे कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हिंदुत्व की जरूरत है या सभी को जोड़ना, आपके सामने है, सबको जोड़ना है। हिंदुत्व की जरूरत क्यों नहीं है? आज पूरे देश के अंदर पूरा विश्व जो है इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है, तो तब भी हिंदुत्व की अगर जरूरत नहीं होगी तो तब अब क्या होगा? आप देख रहे हैं CAA के नाम पर जिस तरीके से हिंसा का तांडव पूरे देश के अंदर चला है, वो आपने देखा होगा। तो हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या जरूरी है? हम NRC तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि पूरे देश के अंदर NRC को तुरंत लागू किया जाए। यह राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की प्रमुख मांग है। आज के समय में बहुत जरूरी है NRC लागू हो। घुसपैठिए जो हैं इन्हें हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरीके से नहीं रखा जाएगा, इन्हें बाहर निकाला जाएगा। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे रोहिंग्या हो, किसी को आतंकवाद की, किसी को हिंसा के तांडव करने की हिंदुस्तान के अंदर इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारा अराजनीतिक संगठन है, केवल हिंदुओं को संगठित करने का कार्य हम लोग करते हैं, परंतु राजनीति की दशा और दिशा भी हम लोग तय करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि कोई भी चुनाव हो रहा है उसमें हिंदुत्व के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो राजनीति की दशा दिशा हिंदू संगठन नहीं तय करेंगे तो कौन तय करेगा? जो हिंदुत्व की बात करती है हम सिर्फ उसे ही बैकअप देते हैं, हम उसी का समर्थन करते हैं। वैसे आपके नज़दीक का ही एक उदाहरण दे दूँ, पंजाब के प्रधान खड़े हैं रविंद्र वैष्णव जी, इन्होंने अभी जो है गौ माता के लिए एक वो चला रखा है अभियान, कोई भी मर्द गाय है उनका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये पूरे देश में ही चल रहा है, परंतु इन्होंने कुछ ज़्यादा चलाया है। और अभी जो गौशाला में धांधलेबाजी हुई थी उसकी भी आवाज़ इन्होंने उठाई है और 17 दिन तक धरना देकर जो है सरकार को जगाया है। उसके बाद सरकार ने फंडिंग भी की है मोहाली के अंदर। अलावा राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के समाज हित में कार्य हैं, क्योंकि अराजनीतिक संगठन है, हिंदुओं को जागृत करने के साथ साथ हिंदुओं के यहाँ जो गरीब कन्याओं की विवाह शादी का कार्यक्रम मोनिका भारद्वाज जी द्वारा भी चलाया गया, आपने देखा होगा। इसके अलावा गरीब लड़कियों हैं उनकी पढ़ाई का कार्य है, रोजगार परक शिक्षा भी हम लोग दिलाते हैं मुफ्त में। उसके लिए सरिता जी जो हैं, ये सरिता शर्मा अरोड़ा जी महिला की जो अध्यक्ष हैं, ये अर्थक प्रयास कर रही हैं और पूरे देश के अंदर इनके प्रयास चल रहे हैं दूसरी संस्था के माध्यम से। हम लोग क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के माध्यम से हिंदुत्व का काम करते हैं और ये जो है जो दूसरा काम है वो दूसरी संस्था के, हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व के एजेंडे पर ही हम काम करते हैं। हम जी नहीं, नाम सीधा सा है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन, कोई नहीं, हिंदू होना जरूरी है, केवल हिंदू होना जरूरी है। जो हिंदू होगा वही हमारे साफ उसमें लिखा है एजेंडे में लागू है कि जो हिंदू है वही राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का सदस्य बन सकता है, इसके अलावा कोई सदस्य नहीं बन सकता। हाँ जी, कन्हैया कुमार हिंदू नहीं है, ये हमने एक्सटिंग ऑपरेशन में ये बात आई है सामने। तो जो लोग हिंदू नहीं है वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। हिंदू जो है राष्ट्र प्रेमी है, देशद्रोही नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू हित में काम कर रहे हैं। और एक हिंदू जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वही एक ऐसा धर्म है जो विश्व में गुरु बनने के लायक है। एक ताज़ा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, चीन में जो अभी कोरोना वायरस से मृत्यु हो रही है, चीन सरकार उनका अंतिम संस्कार जला के कर रही है, अग्नि में सुपुर्द कर रही है, जबकि और जगह दफनाने का कार्य किया जाता है।
तो आखिर में उनको ये समझ आने लगा कि जो हिंदू सभ्यता है, जो हिंदू धर्म है, उसमें जो भी कुछ लिखा गया है वो एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार लिखा गया है। उसका मेडिकल रीजन है, सारे वायरस जल के ख़त्म हो जाएंगे उसके शरीर के साथ साथ, पंच तत्व में विलीन हो जाए। हमारी दिल्ली की टीम वाले गए हैं, उन्होंने उनको सीए के बारे में समझाने की कोशिश की है, उनको बताया है कि सीए आपका कहीं विरोध नहीं करता है और सीए जो है वो आप सबके हित में है, जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनके हित में भी है। सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर बाहर से जो हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहाँ तक कि ईसाई भी जो आना चाहें, उनको हम यहाँ पर शरण देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इसलिए कि इस्लाम को क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री हमने तीन दे दिए भारत को खंडित करके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से उनको क्यों बुलाएंगे, जो वहाँ अल्पसंख्यक है वो पीड़ित है ना, तो पीड़ितों को लेने के लिए सीए का बना। अब वो हिंदू हैं, वो हमारे साथ। अभी जो बात मैम ने पूछी, अभी पंजाब के अंदर मैं बोलकर आया हूँ, पंजाब प्रधान बैठे हैं कि सरदारों के और हिंदुओं के बीच में, सिखों के और हिंदुओं के बीच में जो खाई पैदा करने का काम राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो सिख हैं वे हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत बलिदान दिया है, वे हमारे बड़े भाई की तरह ही रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो नहीं भुलाए जा सकते, तो इसलिए सिखों को हमारे से अलग नहीं किया जा सकता। सिख भी हिंदू हैं, सिख हमारे बड़े भाई हैं। ये तो सिख हिंदू जो है शब्द ही गलत है, हिंदू ही हैं। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर जिस तरीके से हिंसा का तांडव चल रहा है, जिस तरीके से इस्लामी आतंकवाद चल रहा है, ये सब जो है एक षड्यंत्र के तहत है, और इसे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी पीछे